हेलो दोस्तों दोस्तों हार्ट अटैक हार्ट अटैक जानलेवा होता है लोग इस बीमारी के लक्षण जानते हैं परंतु अक्सर इग्नोर करते हैं क्या है सिस्टम सिम्टम्स uh, ये भी लोगों को पता है फिर भी एक बार हम बताना चाहेंगे अगर आपको छाती के बीच में या आपको बाहों में कमर के ऊपरी हिस्से में जबड़े में गर्दन पेट के ऊपरी हिस्से में नए तरह का दर्द हो जो पाँच मिनट से भी ज़्यादा हो साथ ही सांस लेने में तकलीफ़ हो सीने में असहजता हो जी घबराता हो बेचैनी हो ठंडा पसीना आ रहा हो सूजन आना पैरों पे स्पेशली होटों की सतह पर नीला पड़ना सर्दी का लगातार बने रहना और बड़े जल्दी थकान आ जाना चक्कर आना गैस का प्रॉब्लम भी हम समझ सकते हैं कि वो कुछ अलग तरह का गैस का प्रॉब्लम चल रहा है खांसी आ, कुछ अजीब सी खांसी ना सर्दी है ना कुछ पर खांसी लगातार बनी हुई है कुछ उल्टी सा लगना जी मतलाना ये सारे ही लक्षण जो होते हैं वो हार्ट अटैक के सूचक होते हैं दिल का दौरा एक ऐसी स्थिति है क्यों आता है हार्ट अटैक जब अचानक धमनी में रुकावट होता है तो ब्लड जब हमारा रुकता है तो उससे हमको हृदय की मांसपेशियों से रक्त का प्रवाह प्रतिबंधित होता है इससे हार्ट अटैक आता है लो ब्लड प्रेशर में भी ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है इससे भी रक्त का प्रवाह हृदय तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है इसमें व्यक्ति को एक और चीज़ लगता है कि उसको भूख नहीं लगती और हर वक्त उल्टी जैसा महसूस होता रहता है हालांकि वो उल्टी होती नहीं है पर उल्टी उल्टी सब उसे लगता रहता है दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है बाद यदि आपको ये ज़्यादा है कि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है तो इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर दिल के हैं चलने पर कई लोगों को सुना होगा कि वो चल नहीं पाते हैं चलने पर थक जाते हैं या छाती में कुछ हैवी पंसा लगता है जो काम बंद करने के ठीक बाद ठीक हो जाता है इसे एंजाइना पेन कहते हैं कई बार लगता है खाने के बाद गले में जलन हो रही है ऐसा दिन में जब भी आप कुछ खाते हैं और उसके बाद महसूस हो तो भी ये एक लक्षण है कि आपको कुछ हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है पोस्ट पेंडियल एंजाइना सीने में उठने वाले उस तेज़ दर्द को कहते हैं जब हम खाना खाने के बाद चलने लगते हैं या खाना खाने के बाद उठते हैं और चलने की कोशिश करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको दिक्कत हो रही है फिर इस दौरान सीने में जलन के साथ तेज़ दर्द भी होता है इस स्थिति में जब व्यक्ति रुकता है तो उसे आराम होता है मतलब ये जितने भी हम सिम्टम्स बता रहे हैं इसमें जब आप आराम करने लगते हैं तो ये ठीक हो जाता है पाँच दस मिनट के आराम के बाद ठीक लगने लगता है परंतु ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि आप समझिए कि आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए अगर ये स्थिति लंबे समय से बनी हुई है जितने हम सिम्टम्स बना रहे हैं ये आपको हिंट दे रहे हैं तो ये बिल्कुल हार्ट बीमारी का लक्षण हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि ये लक्षण हार्ट से ही रिलेटेड हो सकता है आपको कोई दूसरे तरह की भी बीमारी हो इसलिए बेटर है कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं चेकअप कराएं ये सारे सिम्टम्स जो है वो प्री सिम्टम्स है इसलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और वैसे भी एक एज के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए